कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल 2010 के अंदर व्यू रिबन टैब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं बेसिक के व्यू रिबन टैब के बारे में एक पार्ट बना चुका हूँ, सेकंड पार्ट है आज इसका। इसमें बेसिक अपन दो ग्रुप्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे, देन इसमें कौन कौन से ग्रुप्स के बारे में अपन ने पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, वर्कबुक व्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, देन यहाँ पे शो ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, जूम ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं, देन आज अपना ग्रुप नंबर फोर्थ है, इसमें विंडोज़ ग्रुप है और मैक्रोज के बारे में अपन स्टडी करेंगे। देन इसके बाद में अपने बेसिक इनके जो फंक्शन है उनके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। इस वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना एमएस एक्सेल 2010 में यहाँ पे व्यू रिबन टैब है। इसमें बेसिकली अपने का जो ग्रुप है विंडोज़ ग्रुप है, इसके बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पेन, स्प्लिट, हाइड एंड हाइड, जो बेसिकली जो फंक्शन किस काम में आते हैं अपन उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे ये अपन एमएस एक्सेल के अंदर ये सीट वन, सीट टू, सीट थ्री है। तो यहाँ पे अपन कोई भी विंडो के अंदर को टेबल बना लेते हैं एक बार नॉर्मली। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, सीरियल नंबर लिखा, देन यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिकली नेम लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे नेम लिखा, देन यहाँ पे मार्क्स लिखा, ये तीन बेसिकली यहाँ पे लेना चाहता हूँ। तो सीरियल नंबर में जैसे कि वन, देन नेम किसी मेरा नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ विकास, मार्क्स मान लीजिए 89 मार्क्स हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे सेकंड अपना सीरियल नंबर है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे सुनील नेम है, इसके 85 नंबर हैं। देन इसके बाद में अपने यहाँ पे तीसरा नंबर का स्टूडेंट है, ये बबलेस है, ठीक है, इसके मार्क्स है 92 हैं। इस प्रकार से आपको एक टेबल बनाना है और इसके एक फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे मैं आपको करके बता रहा हूँ। देन इसको सेलेक्ट करना है, देन होम रिबन टैब पे जाना है, देन यहाँ पे इस पर यहाँ पे क्लिक करना है ऑल बॉर्डर पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इससे हेडिंग को, तो यहाँ पे बोल्ड करके, और इसका आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। बेसिकली आपके एक छोटी टेबल है, आप बड़ी टेबल भी आप बना सकते हो। तो ये एक बेसिक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। देन उसके बाद में आप क्या करते हो, इसमें व्यू टैब पे आप क्लिक करते हो। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद में अब न्यू विंडो के अंदर आप चाहते हो तो जैसे ही आपकी एक्सेल में ऐसी विंडो ओपन है तो ऐसी की ऐसी ओपन हो जाएगी विंडो, ओपन इन न्यू विंडोज़ सेम वैसे ऐसे करेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको ओपन हो जाएगी। तो न्यू विंडो पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे न्यू विंडो ये सेकेंड है, देख लीजिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा आपको करके बता देता हूँ इसमें। तो ये अपना पास ये है फर्स्ट, और देन यहाँ पे देखना ये सेकेंड है, ये यहाँ पे देखना बुक 1:1 है और ये 1:2 है, ठीक है। तो सेम टू सेम इसमें न्यू विंडो के अंदर आपने जो पहले विंडो थी सेम वैसे की वैसे विंडो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि ये 1:2 वाली विंडो है, देन और ये 1:1 वाली विंडो है। इस प्रकार से आप न्यू विंडो पे क्लिक करके सेम वैसे की वैसी डुप्लीकेट विंडो आप बना सकते हो, ठीक है, डुप्लीकेट वर्कबुक की तरह आप बना सकते हो। इसी प्रकार से अरेंज और अरेंज करना चाहते हो कि आप दो को अरेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन आप टाइटल के अनुसार करना चाहते हो या हॉरिजेंटल करना चाहते हो या वर्टिकल करना चाहते हो या कैस्केड आप करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्टिकल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक कर दूँगा, देन ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो एक अपने पास ये थी बुक 1:1 और एक ये अपने पास ये थी बुक 1:2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आप लोगों को समझ में आया होगा, इस प्रकार से मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजेंटल भी आप इसका व्यू देख सकते हो। देन आप अरेंज करना चाहते हो सेम एज ए टाइटल में या हॉरिजेंटल में, तो आप हॉरिजेंटल में भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। एक ये वाली 1:2 और 1:1 वाली बुक 1:1, 1:2, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो वापस से मैं इसको सेम उसी पोजीशन से पे कर देता हूँ, टाइटल के ऊपर ही कर देता हूँ डायरेक्ट। इस प्रकार से वापस मैं यहाँ पे वापस जो ऑपरेशंस मैंने जो परफॉर्म किए हैं वापस मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसी प्रकार से आप इसको यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हो, ठीक है, पर्टिकुलर, और इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज भी आप कर सकते हो। ये बेसिक सेटिंग होती हैं एमएस एक्सेल के अंदर। आप लोगों को मैं जनरली
एग्ज़ाम के पर्पज़ से और बेसिक नॉलेज के पर्पज़ से बता रहा हूँ, बाकी जो मैं एडवांस लेवल जो एक्सेल है वो आएगा आगे कंसेप्ट के अंदर, मैं आपको मैं अलग से पढ़ाऊँगा वो टॉपिक। देन यहाँ पे एक्सेल के अंदर बेसिक के आप लोगों को मैंने यहाँ पे न्यू विंडो एज ए डुप्लीकेट विंडो होती है, अरेंज भी उनको कर सकते हो दोनों को जिस फॉर्मेट में आप चाहते हो। और फ्रिज पेन, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसका है फ्रिज पेन। फ्रिज किस प्रकार से आप, जैसे कोई आपके पास एम एस एक्सेल की डेटाबेस के अंदर जो टेबल है एम एस एक्सेल के अंदर, उसके अंदर आप अगर फ्रीज करना चाहते हो, डाटा को फ्रीज करना चाहते हो, एक बड़ी सीट है आपके पास, मतलब आपकी जैसे कोई टेक्स्ट यहाँ से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से आपको यहाँ से स्टार्ट होता होगा टेक्स्ट अपने इधर लास्ट में जाता है, इधर लास्ट में लास्ट तक पहुँचता है, तो उसके बाद में मतलब उसको आप पे एक कंटिन्यू देखना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई भी आपने लिखा नेम, यहाँ पे आपने क्या लिखा नेम लिखा, और यहाँ पे मतलब जितने भी आपकी हेडिंग है इसमें आपका हो सकता है सीरियल नंबर, ये हो सकता है मार्क्स हो सकता है, यहाँ पे मतलब ये आपका अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम आपका, ये इस प्रकार से अलग अलग कॉलम है आपको यहाँ पे, आपको मैं एग्जांपल के रूप में आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। ये अलग अलग आपके पास में कॉलम है, तो ये मैं कॉलम आपको यहाँ पे अलग अलग कॉलम आपको बना के आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास एक कॉलम है, ये मैं सेम सेम के कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पे कोई कॉलम है इस प्रकार से, ये कोई कॉलम आपको मैं बना के बता रहा हूँ, फटाफट से आपको कॉलम बना के यहाँ पे बता देता हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ बहुत सारे कॉलम बना दिए हैं, इस प्रकार के ये कॉलम मान लीजिए यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे आपके कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में ये डेटा मान लीजिए यहाँ पे कोई ये डेटा है, इस प्रकार से कोई डेटा आपको मैंने लिखा है और यहाँ पे बता दिए इस प्रकार से डेटा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये अपने पास कोई डेटा टेबल है, इस प्रकार से एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ये अपने कोई डेटा टेबल इस प्रकार से है। इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पे फ्रीज करना चाहता हूँ, जैसे कि नेम के बाद में यहाँ पे मैं फ्रीज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रीज लगा देता हूँ इस प्रकार से, इसी कॉलम पे मैं आप फ्रीज लगा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रीज पेन पे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप लग जाएगा ये फ्रीज। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें रो, जैसे कि आप ये देखना चाहते हो कि इसके पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने क्लिक किया देन इसमें नेक्स्ट वाले पे, अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसका नाम क्या है, तो नाम भी मैं यहाँ से इस प्रकार से देख सकता हूँ, ये यहाँ पे देखो लेफ्ट में खिसकता रहेगा इस प्रकार से, यानी ये एफ जी जिसके नंबर हैं उतने इसका नाम क्या है इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आपको मैंने बता दिया, नेम कोई ये है तो इसका नाम यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये नाम है इसका व्यक्ति का, तो यहाँ पे मैं चेंज करके आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इस प्रकार से आप जाओगे आप लास्ट, अगर आपको लास्ट कॉलम आपको नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे आपको क्या है लास्ट कॉलम आपको नहीं दिखाई दे रहा, उस कॉलम के व्यक्ति का नाम आपको पता करना है, एक बड़ी टेबल होती है। तो फ्रिज पेन का उपयोग कहाँ करते हैं, एक बड़ी टेबल होती है लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, इतनी बड़ी टेबल होती है, आपको उस व्यक्ति के नंबर उस व्यक्ति की डिटेल फाइंड करने में आपको अगर दिक्कत है, उसको चेंजेस करने में कोई दिक्कत आती है, तो फ्रिज पेन का आप यूज करके उसमें देख सकते हो कि आप फलाने व्यक्ति के कितने मार्क्स हैं, किसी स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रिज पेन का आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक बताया यहाँ पे, और बाकी एडवांस एक्सेल पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर मैं डिटेल से आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ये फ्रिज पेन के अंदर वापस से उसको अनफ्रिज कर सकते हो, ठीक है, वापस इस प्रकार से अनफ्रिज कर सकते हो, और आपको मैंने फ्रिज करके बता दिया। जिस पर्टिकुलर कॉलम पे आप लगाओगे, जिस पर्टिकुलर रो पे वहाँ पे लगाओगे, तो वहाँ से डेटा फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डेटा इनसाइड अंदर की तरफ इनसाइड होने लग जाएगा। तो अब जैसे आप नीचे की तरफ डेटा देखते हो तो ऊपर की तरफ बॉटम की ओर फ्री होने स्टार्ट हो जाएगा, आप राइट साइड से देखते हो तो डेटा को लेफ्ट साइड से फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फ्रीज लगा सकते हो। कोई बड़ी टेबल होती है एम एस एक्सेल के अंदर जो आप शीट पे कार्य कर रहे हो, कोई इतनी बड़ी टेबल होती है, जैसे आपका सीरियल नंबर हो गया, ज़िले का नाम हो गया, फिर स्टेट, फिर ज़िले, फिर इस प्रकार से बड़ी टेबल होती है, उसमें आप फ्रिज का यूज कर सकते हो। तो फ्रिज आपको बेसिकली फंक्शन थ्री याद रखने हैं। तो फ्रिज पेन का यूज आपको कहाँ किया जाता है, रो एंड कॉलम के लिए तो फ्रिज पेन का यूज करते हैं, और पर्टिकुलर रो में भी आप
टॉप जो अपनी हेडिंग होती है अपनी टेबल की, तो वहाँ पे फ्रिज टॉप रो में लगा सकते हो और फ्रिज फर्स्ट कॉलम में आप लगा सकते हो। इस प्रकार से तीन तरीके से आप फ्रिज का यूज कर सकते हो। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि फ्रिज कितने तरीके से आप लगा सकते हो। रो कॉलम में कंबाइन लगा सकते हो, रो में पर्टिकुलर अलग लगा सकते हो, और फर्स्ट कॉलम में आप फ्रिज लगा सकते हो। तो इसका याद रखना, इसको आप अगर शो कराना स्प्लिट करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, तो इसके ये अलग फंक्शन दे रखे हैं। जैसे कि कोई यहाँ पे फ्रिज आपने लगाया इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पे वापस से लगा के बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया फ्रिज, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे यूज किया। देन यहाँ पे मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ इसको। स्प्लिट का मतलब कि इसको इसके पर्टिकुलर भागों में इस शेप को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ना यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोई डेटा लिखा। अब इस डेटा को मैंने यहाँ पे लिखने के बाद में जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, तो देखो इस शीट के अंदर यहाँ पे इसकी इस लाइन जो है ना, यहाँ पे इस लाइन के अंदर वो डेटा जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से उसके इनसाइड हो जाएगा, अंदर अंदर जाता है। और ऐसे ऐसे ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो अपन इस प्रकार से आपको डेटा दिखाई देंगे। एक बड़ी टेबल होती है, एक बड़ी टेबल लेके आपको लोगों को मैं समझा दूंगा। कोई भी बड़ी टेबल लेके एक बार बेसिक तरीके से आपको यहाँ से मैं बता रहा हूँ। जिसको हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे हाइड पे भी कर सकते हो क्लिक। ये हाइड हो गए यहाँ पे फ्रिज, ठीक है। इस प्रकार से जो कोई भी जो फ्रिज आप अप्लाई करते हो तो वो हाइड हो जाता है। और जैसे पूरी टेबल आप इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। एन हाइड करना चाहते हो तो आप वापस कौन से करना चाहते हो, आप कौन से वर्कबुक को, तो उसको अपन अनहाइड कर सकते हो। इस प्रकार से वापस से आप डेटा को अनफ्रीज करना चाहते हो, किसी टेबल को पर्टिकुलर आपको अनफ्रीज करना चाहते हो तो अनफ्रीज कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर को आप फ्रीज करना चाहते हो तो आप फ्रीज कर सकते हो। किसी स्प्लिट करना चाहते हो, किसी को हाइड करना चाहते हो, तो आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से डेटा के अपन यूज डेटा को आप यूज कर सकते हो। और इस बेसिकली इसे आपको मैं यहाँ पे इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। देन इसमें सेकेंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, मैंने इसमें विंडोज़ ग्रुप के अंदर आपको न्यू विंडो एज ए डुप्लीकेट विंडो की तरह कार्य करता है। अरेंज वेलो में अरेंज ऑल के अंदर इसमें जो जितने विंडोज होती हैं उसको किस अरेंजिंग फॉर्म में आप देखना चाहते हो, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल, टाइटल के रूप में देखना चाहते हो। फ्रिज पेन में आपको तीन तरीके से फ्रिज होते हैं। रो कॉलम पर आप कंबाइन लगा सकते हो, पर्टिकुलर रो पे लगा सकते हो, और फर्स्ट कॉलम पे आप फ्रिज लगा सकते हो। स्प्लिट कर सकते हो, हाइड स्प्लिट के अंदर एक सीट को अलग अलग भागों में आप तोड़ सकते हो। देन हाइड भी कर सकते हो और अनहाइड भी आप इसको फ्रिज को कर सकते हो। तो आप इससे आप लोगों ने इस प्रकार का आप यूज कर सकते हो। व्यू साइड बाय साइड के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट व्यू के अंदर आपको अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड आपको इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलेगा। बुक वन रेशो वन, बुक वन बुक यहाँ पे इस वन रेशो थ्री, जितनी भी आप जैसे बुक क्रिएट करते हो आप बुक, तो इस प्रकार से आप इनको साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हो। सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग भी आप जैसे इसको स्क्रॉलिंग करोगे आप तो इसको पर्टिकुलर स्क्रॉलिंग इसको आप अलग वर्क कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीट पे यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ, इस सीट के ऊपर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर मैं इस सीट को कर सकता हूँ कार्य यहाँ पे। देन जैसे इस प्रकार के सीट के मेरे पास यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे ये टेबल है और इस टेबल के यहाँ के डेटा मेरे पास जैसे कि कोई नाम यहाँ से है तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी या पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको एज ए कॉपी कर सकता हूँ, एज ए यहाँ टाइप कर सकता हूँ। इस टेबल के डेटा को देख के इस टेबल में हमें चेंजेस भी यहाँ पे कर सकता हूँ। रीसेट विंडोज़ पूरे जितने जो आप करना चाहते हो ना, रीसेट विंडोज़ पोजीशंस वो आप कर सकते हो। वापस से मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक। देन उसके बाद में मैं अपना अगला ग्रुप अगला इसमें जो फंक्शन आता है वो सेव वर्क स्पेस का है। यहाँ पे अगला जो फंक्शन है सेव वर्क स्पेस का है। तो अपन इसका अपन पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर सीट के अंदर आप यूज कर सकते हो जितना भी स्पेस हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं किस नाम से अगर यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ या पर्टिकुलर आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इस सेट को यहाँ पे मैं व्यू के नाम से सेव करना चाहता हूँ तो व्यू के नाम से मैं सेव कर सकता हूँ। व्यू डीडी के नाम से मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर सकता हूँ। अलग तरीके से भी मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो पर्टिकुलर यहाँ पे सेव मैंने यहाँ पे कर दिया इस सीट को। और ये बुक वन के नाम बुक अलग जो वर्क बुक दे रखी थी यहाँ पे फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है उसके अंदर मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं डीडी फंक्शन डीडी यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे फाइल का नेम देख के
यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर इससे जो आपको फाइल मांगी है तो उस फाइल में आपको ये सेव करना पड़ेगा। जैसे बुक वन मांगी है तो बुक वन में आप उनको सेव कर सकते हो, बाकी नहीं सेव करना चाहते तो आप सेव को नहीं भी कर सकते हो। देन उसके बाद में स्विच विंडो, स्विच विंडो में जितनी भी विंडो आपके यहाँ पे टास्क बार पे खुली होगी तो उतनी विंडो आप यहाँ पे स्विच करा सकते हो। जैसे स्विच विंडो पे क्लिक किया मैंने 1:1 और 1:3 वाली, जैसे मैं ये कराना चाहता हूँ तो ये भी मेरी यहाँ पे आ गई 1 वाली। ये मेरी कौन सी विंडो है, 1:3 वाली विंडो है। यहाँ पे देखो कि टाइटल बार में देखो यहाँ पे बुक 1:3 है, तो यहाँ पे 1:3 भी यहाँ पे करा सकता हूँ। ये चाहता हूँ कि 1:1 या तो देखो यहाँ पे 1:1 यहाँ पे भी इसको मैं करा सकता हूँ। तो स्विच विंडो यानी विंडो को एक्सचेंज करने में इसका यूज किया जाता है। जो अपनी सीट होती है उसको जैसे कि 1:1, 1:2, 1:3 इनको एक्सचेंज करने में इसका यूज किया जाता है। एक अपना जो लास्ट फंक्शन बचता है यहाँ पे रिमेनिंग, तो ये मैक्रोज सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एग्जाम की दृष्टि से। इस मैक्रो फंक्शंस का यूज पर्टिकुलर मैक्रो को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। ठीक है, जो भी आप कोई फॉर्मेटिंग करते हो, किसी भी टेबल की आप फॉर्मेटिंग करते हो, पर्टिकुलर उस फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करने में इसको मैक्रो का यूज किया जाता है। ओके, आप लोगों को समझ में आता है मैक्रोज कमांड का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी शॉर्टकट कमांड अल्ट्रिक के साथ F8 आपको यूज करना होता है। मैक्रो की जो शॉर्टकट कमांड क्या होती है, अल्ट्र प्लस F8 होती है इसकी। जो अल्ट्र के साथ फंक्शन की जो होती है ना अपनी F1 से लेकर F12 तक, तो उसमें F8 का यूज होता है। अल्ट्र प्लस F8 फंक्शन की का यूज मैक्रोज के लिए यूज होता है। मैक्रोज को अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैक्रोज को अपन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं मैक्रोज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैक्रोज को रिकॉर्ड करने स्टार्ट करने से पहले उसका नाम देना पड़ता है। नाम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए तो मैक्रो का नेम रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मैं विकास के नाम से ही मैक्रो का नाम देता हूँ, मैक्रो नेम विकास। यहाँ पे उसकी शॉर्टकट की भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ आप शिफ्ट के साथ आप आई भी यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट के साथ आप एन भी यूज कर सकते हो, शिफ्ट के साथ आप डी भी यूज कर सकते हो। अलग अलग जो एक्सेल के अंदर जो उसकी पर्टिकुलर शॉर्ट की नहीं होनी चाहिए, अगर शॉर्टकट की अगर आप पर्टिकुलर उसके पास डिफरेंट शॉर्टकट होनी चाहिए उसके पास से, तो डिफरेंट अगर शॉर्टकट की है तो उसका आप यूज कर सकते हो मैक्रो में। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो किस तरीके से करते हैं, तो मैक्रो का हम नाम देते हैं। नाम के अंदर मैक्रो के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। ऐसी की फंक्शन की ऐसे शॉर्टकट की अपन क्रिएट करेंगे जो अपने एक्सेल में जो पर्टिकुलर अलग से हो। देन यहाँ पे स्टोर मैक्रोज यहाँ पे कराना चाहते हो आप, जैसे न्यू वर्कबुक पे कराना चाहते हो तो वहाँ पे करवा सकते हो, और पर्टिकुलर बुक जिस वर्कबुक पे आप कराना चाहते हो तो उसमें करा सकते हो। और पर्सनल मैक्रो जो वर्कबुक है उस पर आप पर्सनल जो जिस पे कार्य आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप करवाना चाहते हो तो वहाँ पे भी करवा सकते हो। तो पर्टिकुलर मैं यहाँ पे जिस वर्कबुक पे रहने दे सकता हूँ। मैक्रो फंक्शन का यूज़ पर्टिकुलर इस प्रकार से जैसे किया जाता है, कट जैसे कॉपी पेस्ट के रूप में कार्य करता है। मैक्रो फंक्शन का यूज इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कॉपी पेस्ट का जो फंक्शन होता है उस प्रकार से आप मैक्रो को कर सकते हो। अपन कॉपी पेस्ट वाला तो मतलब उस टाइम पर्टिकुलर सेम टाइम तक ही रहता है, बाकी मैक्रो का जो फंक्शन जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे, जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे, जब तक वो फंक्शन के अंदर वो उस वर्कशीट में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो मैक्रो का यूज। ठीक है, तो याद रखना मैक्रो का आपको फंक्शन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉर्टकट कमांड पूछी जाती है, ठीक है, अल्ट्रा F8 होती है इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर लिखना चाहते हो आप ले सकते हो, वर्कबुक पे जिस वर्कबुक पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। ओके पर मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे मैं अब इस मेरा इस मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो भी अपने पास जो टेबल है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। जिस प्रकार से जितनी भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इटैलिक करना चाहता हूँ इनको, और यहाँ पे मैं इसको सेंटर रखना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो इस प्रकार कर सकता हूँ। फॉन्ट को यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ। जो भी मेरे को यहाँ पे इसके कलर्स लेना चाहता हूँ, अलग अलग कलर्स लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अलग अलग कलर्स भी यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग मार्क्स का कलर भी मैं अलग चाहता हूँ तो मैं अलग यहाँ पे कर सकता हूँ। इस प्रकार से मैं इनका अलग अलग कलर्स भी कर सकता हूँ, इनके सीरियल नंबर के भी यहाँ पे कलर्स मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं यहाँ पे चेंज कर दिया मैंने। ये मेरा जितने भी मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ वो मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है पर्टिकुलर। ठीक है, उस प्रकार से मैं यूज कर सकता हूँ।
अब मैं मैक्रो को यहाँ जाके व्यू रिबिन टैब में जाके मैक्रो को मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, स्टॉप मैक्रो। ठीक है, इस प्रकार से मेरा मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। देन ये मैक्रो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैक्रो सेम यहाँ पे इसी प्रकार से मैं इधर यहाँ पे क्लिक करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो C2 के अंदर F के अंदर आप यहाँ पे जो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ G के अंदर 10 है, तो इसी प्रकार से मैं C3 के अंदर G के अंदर 10 में यहाँ पे करूँगा यहाँ पे सेम। तो मैक्रो को मैं यहाँ व्यू करके यहाँ पे देख सकता हूँ, पर्टिकुलर यहाँ पे मैक्रो को व्यू करके यहाँ पे रन करा के मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने डाटा नहीं टाइप किए थे, जो भी मैंने कार्य किया था वो सेम यहाँ पे वर्क हुआ। कलर मैंने चेंज किया था वो सेम वर्क हुआ। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कार्य करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से टेबल बनाता हूँ, मैं ये टेबल बनाता हूँ नेम, और यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे बनाया मैंने, बस सिर्फ दो ही कॉलम रहने देता हूँ। नाम मैंने टाइप किया इस प्रकार से, एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ उनको, और मैक्रोज को मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से आपको बताता हूँ मैक्रो के अंदर क्या होता है। जो अपना मैक्रो फंक्शन है यहाँ पे, उसको मैं रिकॉर्ड करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, और मैक्रो का नाम दे देता हूँ यहाँ पे टेबल दे देता हूँ नाम। यहाँ पे टेबल मैंने नाम दिया मैक्रो को। देन दिस वर्कबुक पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, जिस वर्कबुक पे, तो मैंने ओके पे क्लिक किया। अब मेरा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। अब देखना मैं जो भी टाइप करूँगा, नेम मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स मैंने टाइप किया। देन उसके बाद नेम की जगह मैंने यहाँ पे लिखा विकास, यहाँ पे लिखा राहुल, यहाँ पे मैंने लिखा सुनील, यहाँ पे लिखा मैंने बबलेस, यहाँ पे मैंने बबलेस लिखा, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा रोहित, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहित। देन बस इतने आपके लिए एग्जांपल के लिए काफ़ी हैं। इनके जो पर्टिकुलर मार्क्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। से आपको अलग से मैं मैक्रो यहाँ पे फंक्शन सप्लाई करके दिखा देता हूँ उसमें वर्कबुक के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप फिर से नेम, यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स। देन उसके बाद में नेम की जगह मैं एक पर्टिकुलर यहाँ पे नेम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में आपको अलग अलग करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से मैक्रो फंक्शंस यूज किया जाता है। जैसे कि आपको एक और नाम टाइप कर देता हूँ यहाँ पे राहुल। उसके बाद इनके मार्क्स यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 9। यहाँ पे जो मार्क्स हैं इसको मैं टाइप कर देता हूँ 98, 95, 97, 96। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मार्क्स दे दिए। मेरे मैक्रोज यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग में है, तो यहाँ पे मैं टेबल यहाँ पे फॉर्मेटिंग है इसकी, इससे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ यहाँ पे पर्टिकुलर पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, देन उसके बाद में मिडिल में कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग के कलर्स यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने सेट कर दिए। डेटा टेबल नेम के भी यहाँ पे मैं कलर्स इस प्रकार से चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद में इसके मार्क्स के नंबर मार्क्स हैं उनको भी मैं इसमें टेक्स्ट के यहाँ पे कलर दे देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे किया पूरा, और मैंने इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लिया है इसको यहाँ पे, और इस प्रकार से पूरा मैक्रोज को यहाँ पे टेबल बना के मैंने सेलेक्ट किया है। इसके जो टेबल की फॉर्मेटिंग भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, टेबल की जो फॉर्मेटिंग है इसमें टेबल फॉर्मेटिंग के अंदर मैं अलग अलग टेबल फॉर्मेट में ले सकता हूँ। देन ओके पे अप्लाई किया मैंने। उसके बाद में यहाँ पे व्यू टैब में जाता हूँ। व्यू टैब के बाद में यहाँ पे मैक्रोज को मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैक्रोज को स्टॉप करने के बाद में मैं किसी भी सीट पे यहाँ पे थर्ड सीट पे लेता हूँ। उसके बाद में किसी भी यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद में मैक्रोज को यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। व्यू करके देख देता हूँ एक बार, यहाँ पे टेबल के नाम से मैक्रोज है उसको मैं यहाँ पे रन किया, तो आपको जितना आपको दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया। इस प्रकार से आपको मैंने जहाँ तक रिकॉर्ड किया था ये डायरेक्टली आ जाएगा, एज ए कॉपी पेस्ट की तरह कार्य करता है मैक्रोज यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप मैक्रो कमांड का यूज कर सकते हो। स्पेशली आपको मैं MS Excel 2010 के अंदर बेसिक यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। देन उसके बाद में आपको जो कुछ से फंक्शंस और रह गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं उनको मैं रिपीट करवा दूंगा, और पर्टिकुलर हर फंक्शन का अलग से वीडियो लेके आऊँगा। जैसे बड़ी टेबल से डाटा का फ्रीज किस प्रकार से किया जाता है,
मैक्रोज बड़ी टेबल में किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, किसी रिजल्ट पे, किसी मार्कशीट पे आप मैक्रोज किस प्रकार से अप्लाई करते हो, किसी भी टेबल की फॉर्मेटिंग पे आप किस तरीके से मैक्रोज को अप्लाई करते हो, इस तरह के जो मुख्य मुख्य जो फंक्शंस हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में जो ऑफिस परपज में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, उस प्रकार के फंक्शंस आपको मैं फिर से रिपीट करवा दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।